हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों, आज की एक और नई रेसिपी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है रमोला रसोई में। तो दोस्तों, आज मैंने मल्टी कलर सब्जी बनाई है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में सब्जी नहीं होती कुछ बनाने को, और ऐसे में बनाने वाले के लिए बहुत डिफ़िकल्ट एक चैलेंज हो जाता है कि क्या बनाया जाए क्या बनाया जाए। और जो हमारे पास पड़ा है बहुत थोड़ा पड़ा है, तो जो मैंने आज रेसिपी बनाई है बिल्कुल ऐसे बनाओगे तो खाने वाले भी उंगली चाटते रह जाएंगे और आपकी सब्जी जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, चैनल में नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं नई नई रेसिपी लाऊँ और जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिले। साथ में दोस्तों, रेसिपी पसंद आती तो एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों, ये लौकी मैंने काट के रखी है, एक छोटा टुकड़ा लौकी का बचा था तो इसको मैंने इस तरह काट दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं है, ये छोटा टुकड़ा था तो इसको मैंने काट दिया है। और इसके साथ मैं कुछ और भी काटूंगी क्योंकि ये बहुत कम है, इससे सब्जी पूरी नहीं होने वाली, तो इसके साथ कुछ और काटूंगी ताकि हमारी सब्जी आज की कम्प्लीट हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हो, लौकी तो कट चुकी है, तो लौकी के साथ ही ये दो आलू है, एक गाजर है, एक टमाटर है, तो इनको भी पहले अच्छे से साफ धो के छिल के, और जैसे लौकी काट के रखी है ऐसे ही इनको भी काट देते हैं। तो ये मैंने आलू काट के रख दिए हैं, टमाटर है, साथ में एक गाजर भी था तो ये गाजर मैंने काट के रख दिया है, और साथ में लौकी हमने पहले ही काट के रखी है। तो अब बनाते हैं इसकी फटाफट से चटपटी सी सब्जी। और सब्जी दोस्तों ऐसी स्वाद बनेगी कि अगर आप भी बनाओगे ना तो मैं यकीन दिलाती हूँ खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगी। तो चलो बनाते हैं मिलके आज की टेस्टी मल्टी कलर सब्जी। लेकिन इसको बनाने में ज़्यादा लफड़ा नहीं होगा, बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे और टेस्टी बनाएंगे ज़बरदस्त। तो दोस्तों, सब्जी हम कढ़ाई के बजाय कुकर में बनाने जा रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा कुकर गिल्ला सा लग रहा है, इसको थोड़ा सूखने देते हैं, फिर डालते हैं इसमें तेल। तो चलिए इसमें तेल डाल देते हैं, 2 चम्मच के करीब इसमें तेल डालेंगे, 2 चम्मच के करीब तेल डाल दिया है। शायद आपको तेल बहुत ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन ऐसे में देखो ज़्यादा नहीं है, ये चौड़ा फ्लैट है इसलिए ज़्यादा फैल गया है और बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब इसमें डालते हैं तड़के के लिए कुछ सूखे मसाले, यानी कि खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में मेरा जाएगा जीरा, सरसों का दाना, मेथी दाना, और इसमें अजवाइन भी है, सब कुछ मिक्स है ये। तो दोस्तों, ये चटक गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया जैसे कि आप देख रहे हो। और अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई लहसुन। तो आज मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लहसुन और जीरा, धनिया बीज वगैरह, सरसों दाना, इसके साथ ही मैं सब्जी का तड़का लगा रही हूँ। तो देखो, आप भी कभी ट्राई करना, बहुत टेस्टी होता है। ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ प्याज डालें, कभी ऐसे भी बना के देखो, बहुत स्वाद बनती है। जैसे हमारी लहसुन का कलर चेंज हो जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। बिल्कुल नए तरीके से दोस्तों, सिंपल तरीका है और बहुत आसानी से भी बनती है, कभी इस तरह भी बना के देखो। तो ये देखो जैसे ही कलर चेंज होता है, फिर इसमें डालते हैं कुछ मसाले। तो दोस्तों, तड़का हमारा रेडी हो चुका है, इसमें डालते हैं कुछ मसाले। तो मसाले आप देख रहे हो, जैसे कि इसमें धनिया पाउडर है, गर्म मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है और हल्दी पाउडर है। तो ये बेसिक मसाले हैं जो हमारे घरों में रोज़ यूज होते हैं, ये मैं डाल रही हूँ। तो मसाला हमारा जल लेना, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और इसी के साथ डालूंगी कुछ अदरक के लच्छे, ये मैंने कद्दूकस करके रखे थे, ये भी इसमें डालूंगी। तो चलिए दोस्तों, मसाला हमारा रेडी हो चुका है, मसाला हमारा भुन गया अच्छे से। और अब इसमें डालते हैं हम सब्जी, जो हमने सब्जी काटी है ना, सारा कुछ इकट्ठे डाल देंगे। आज बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ सब्जी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने सारे इकट्ठे करके रखे हुए, तो ये सारे कुकर के अंदर हम इकट्ठे डाल देंगे, जो भी हमने काट के रखी है, तो सब डाल के दिखाती हूँ। तो सारे हमने इकट्ठे डाल दिए, टमाटर भी, आलू भी, गाजर भी और लौकी भी, और इसको मिचा देंगे पहले अच्छे से मसाले के साथ।
तो सारी सब्जी हमने डाल के मिला दी है। तो दोस्तों मसाला भूनना होता है, और ज़रूरी नहीं कि टमाटर को भूने, सिर्फ मसाला भूनना होता है। मसाला हमने भूना है अच्छे से, और टमाटर बेचारे तो सॉफ्ट होते हैं, उसको आप बाद में भी डाल सकते हो, तब भी सब्जी बहुत स्वाद बनेगी। तो अब इसका करते हैं ढक्कन बंद, और इसको देते हैं दो सीटी आने तक करते हैं इंतज़ार, और देखो हमारी सब्जी कैसी बनती है। तो इसको आने देंगे दो सीटी तक करते हैं वेट, और आज की हमारी चटपटी सी सब्जी, कलरफुल सब्जी तैयार। तो दोस्तों हमारे कुकर ने दो सीटी मार ली है, और इसको कर लेते हैं ठंडा, और इसका ढक्कन खोल के देखते हैं सब्जी हमारी कैसी बनी। ये देखिए दोस्तों सब्जी हमारी बहुत स्वादिष्ट दिख रही है, उम्मीद है कि खाने में भी स्वाद होगी। और इसको एक प्लेट भी निकाल के दिखाते हैं कैसी बनी। तो दोस्तों सब्जी हमारी बहुत ज़्यादा शानदार बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। आप बना के देखना कभी इस तरह, क्योंकि कभी कभी होता है ना हमारे घर में सब्जियां नहीं होती है, और जो कुछ पड़ा होता है वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा होता है, और हमें लगता है कि सब्जी पूरी नहीं होने वाली है। तो इस तरह मिक्स करके बनाएं, जो जो चीज़ आपके घर में पड़ी हो थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ डालें, और फिर आप देखो सब्जी का जायका, खाने वाले भी कहेंगे वाह कितनी टेस्टी है। और उंगलियां ना चाटी दोस्तों तो फिर मुझे बताना, देखो आप कितनी स्वाद बनी है। दोस्तों सब्जी की रंगत तो देखो, इससे पता लग रहा है कि सब्जी बहुत स्वाद होगी। और अब इसको चाहो तो हरे धनिया से सजा सकते हो, तो मैं इसके ऊपर हरा धनिया डालती हूँ, उससे इसमें चार चांद लग जाएंगे। और सब्जी में जो हरा धनिया की खुशबू होती है ना, वो तो बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ा देती है हर चीज़ का, कोई भी रेसिपी हो उसके ऊपर आप अगर हरा धनिया डालते हो ना, तो उसमें रेसिपी में जान आ जाती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये जाएगा इसके ऊपर हरा धनिया। तो आप भी ऐसे ट्राई करें नई नई रेसिपी, और सिर्फ ये रेसिपी नहीं है, खाने वाले को भी बहुत पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई करें ऐसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको कैसी लगी रेसिपी एक लाइक करके ज़रूर बता देना, और आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक आपको मेरा नमस्ते, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।